हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि शॉपिंग कार्ट की जो बेसिक फंक्शनैलिटी होती है, जैसे कि हमारे पास कोई कार्ट है नॉर्मल सा, जिसमें आइटम हमारे पास गिवन हुए हैं, प्रोडक्ट के नाम हैं बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, पिज्ज़ा, मतलब कि हमारे पास डिफरेंट आइटम होते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट में होते हैं बिलिंग सिस्टम, उसकी प्राइसेस गिवन होती हैं, क्वांटिटी हमें इसमें यहाँ पे लिख के ऐड करना होता है, फिर हमें क्या करना होता है, ऐड करना हो ऐड करो या फिर रिमूव करना हो रिमूव करो, और उसके बाद हम क्या करते हैं, एक बिल जनरेट करते हैं। तो ये बेसिक सी फंक्शनैलिटी है जिसको हमने HTML और HTML बूटस्ट्रैप HTML और jQuery की हेल्प से बनाया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक दिखा देता हूँ कि वर्क कैसे करता है बेसिकली। तो जैसे यहाँ पे क्या है, बर्गर है, बर्गर की क्वांटिटी मान लेते हैं हमें दो चाहिए, दो चाहिए तो हमने ऐड कर दिया, तो कितना है, 50 है, तो 50 × 2 कितना हो गया, यहाँ पे 100 हो गया। मान लेते हैं यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक हमें कितना चाहिए, 1 चाहिए, तो 1 चाहिए तो हमने ऐड कर दिया, कितना हो गया, 200 हो गया। पिज्ज़ा मान लो हमें कितना चाहिए, 1 चाहिए, तो ये हमने ऐड कर दिया, एक 450 हो गया। चिकन रोल मान लो हमें चाहिए 3, तो ये हमने ऐड कर दिया, तो ये कितना हो गया, टोटल 600 रुपये हो गए। तो यहाँ पे आप देख लो क्या है, बर्गर हमने सेलेक्ट किया है, कोल्ड ड्रिंक सेलेक्ट किया है, पिज्ज़ा सेलेक्ट किया हुआ है और चिकन रोल सेलेक्ट किया हुआ है, और टोटल अमाउंट कितना हो गया, टोटल अमाउंट हो गया 600 रुपीज़। तो आइए इसमें देख लेते हैं कि ये कोडिंग कैसे हुई है, इसका कोड क्या है। तो दोस्तों, इसे हमने क्या किया है, पहले ये बूटस्ट्रैप के CDN हमने इसमें लिखे हुए हैं जिससे कोडिंग हो सके। उसके बाद हमने बूटस्ट्रैप का यूज किया हुआ है यहाँ पे, ये जो रेस्टोरेंट, ये क्या है, ये रेस्टोरेंट का नाम है, यहाँ पे हेडिंग हमने दिया हुआ है H4 से, जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि ये है, ये राघव रेस्टोरेंट जो हमने नाम लिखा हुआ है वो दिया हुआ है। उसके बाद हमने क्या, एक रो बनाई है, रो क्लास मैंने खुद से डिफाइन किया हुआ है, ये रो क्लास हमने CSS दिया हुआ है मार्जिन ऑटो के लिए। उसके बाद हमने यहाँ पे बूटस्ट्रैप की एक क्लास यूज की है रो, रो के अंदर क्या बनाया है, हमने एक कॉलम बनाया है, कॉलम क्या है, 8, टोटल कितने होते हैं, 12 होते हैं, 8 हमने यहाँ पे लिया हुआ है और बाकी 4 हमने नेक्स्ट वाले कॉलम में लिया हुआ है। यहाँ पे आप देख लो कि हमारे यहाँ पे 2 कॉलम है, एक ये है इधर वाले जो है आइटम डिस्क्रिप्शन है, और दूसरा वाला जो कॉलम है 4 का, वो यहाँ पे बिलिंग डिटेल्स है। तो यहाँ पे क्या है कि हमने यह हुआ है, ये हमने कॉलम लिया हुआ है, और इस वाले पार्ट में हमने क्या दिया, पहले वाले कॉलम में हमने दिया हुआ है आइटम का डिस्क्रिप्शन। तो आइटम के डिस्क्रिप्शन में हमने उसके नाम लिखे हुए हैं। तो इसमें क्या है, इसमें फिर हमने एक रो बनाई है, इसमें रो का क्या है आपको मैं दिखा देता हूँ इसमें, कि जैसे क्या है, ये हो गया एक कॉलम हो गया पूरा, ये पूरा एक कॉलम हो गया। अब इसके अंदर क्या है, ये पूरा एक कॉलम है। अब इसके अंदर क्या है, हमने रो बनाई, एक रो ये हो गई, दूसरी रो बर्गर की, तीसरी रो कोल्ड ड्रिंक की, चौथी रो पिज्ज़ा की, पांचवी रो चिकन रोल की, ये सब रोज हो गई, और इसमें एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम बने हुए हैं। तो हमने एक रो बनाई है, एक रो यहाँ पे ख़त्म होती है, और इसके अंदर चार कॉलम है, ऑल LG2। ये टू क्या है, एक तरह से आप मान सकते कैसे डिवाइड हमने किया हुआ है, कितना उसकी लेंथ होनी चाहिए। वैसे दूसरी रो हो गई, तो पहले वाली रो क्या हो गई, प्रोडक्ट, प्राइस, क्वांटिटी, परफॉर्मेंस, और उसके बाद क्या हो गया, नेक्स्ट वाले में हो गया कि हमने जो हमारे प्रोडक्ट हैं, जो हमारे चीज़ें हैं, जो डिशेज हैं, उनको हमने ऐड किया हुआ है। तो जैसे कि बर्गर हो गया, अब नेक्स्ट पहले वाले में तो हमने नाम दे दिया, देखो क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट का नाम है, प्राइस है, क्वांटिटी कितनी ऐड करनी है, और परफॉर्म एक्शन है। तो पहले में तो हमने नाम दे दिया, दूसरे में हमने क्या दे दिया, एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, जैसे हमने स्टैटिक नहीं बनाया, इसे हमने डायनेमिक बनाया। डायनेमिक बनाने का मतलब ये हो गया कि स्क्रिप्ट के अंदर हमने उसका प्राइस लिखा हुआ, जिससे हम इस वेरिएबल को बाद में यूज कर सकें, और उसी के अंदर हमने इसे प्रिंट करा दिया है बराबर, ठीक है। नेक्स्ट वाले में क्या है कि हम क्वांटिटी कितनी ले रहे हैं, 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, इसके लिए हमने इनपुट टाइप दिया हुआ है, और नेक्स्ट में 2 बटन हमने ऐड किया हुआ है, ऐड और रिमूव, हर किसी में आएगा, और दोनों का अलग अलग हमने ID दिया हुआ है, ठीक है। वैसे ही हर किसी में किया हुआ है, प्रोडक्ट का ऐड किया हुआ है, और उसकी प्राइस हमने वेरिएबल में दिया हुआ है स्क्रिप्ट में,
फिर एक इनपुट टाइप बनाया हुआ है जिसमें हम क्वांटिटी दे सके, फिर बटन है, वैसे ही हमने कर रखा है, तो आप इसे देख सकते हो। इसके बाद हमने यहाँ पे नेक्स्ट वाला नेक्स्ट जो कॉलम बना हुआ है फोर का, उसमें हमने जेक्वेरी लगाई हुई है। तो जेक्वेरी, अब सबसे बड़ी बात है कि हम इसमें एलिमेंट एक तो वेरिएबल वेरिएबल की बना है, और दूसरा क्या है, हर बटन की अपनी अपनी आईडी है। ध्यान दो, ऐड ड्रिंक, रिमूव ड्रिंक, ठीक है, रिमूव पिज्ज़ा, ऐड पिज्ज़ा, तो हर बटन की अपनी अपनी आईडी है कि उसी का थ्रू ले। तो यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या स्टार्ट किया, स्क्रिप्ट स्टार्ट किया। तो अब देखो हमें प्रिंट कराना है, ये है बिलिंग डिटेल ऑफ आइटम, तो इस वाले कॉलम में क्या दे रहे हैं, बिलिंग डिटेल दे रहे हैं, जो कि बेसिकली कहाँ है, यहाँ पे है, ये वाला कॉलम, यहाँ पे बिलिंग डिटेल दे रहे हैं। तो यहाँ पे बिलिंग डिटेल है, तो हमने देखो कहाँ कहाँ प्रिंट करा रहे हैं, एक यहाँ पे ये लाइन, एक ऊपर प्रिंट हो रही है यहाँ पे, और दूसरा जो अमाउंट आ रहा है यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो ये आइटम नेम के लिए हमने देखिए जो ऊपर आइटम आ रहा है, और यहाँ पे नीचे हमने क्या दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है कि जो सम रहा है वो दे दिया हुआ है, ठीक है। तो आओ सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। हमने एक वेरिएबल ले लिया सम इक्वल टू जीरो नाम से, एक वेरिएबल ले लिया, और आइटम इक्वल टू नल से हमने एक वेरिएबल ले लिया। तो ये इंटीजर हो गया और ये स्ट्रिंग हो गया, इसमें आइटम के नाम जुट रहे हैं, मैसेज जुट रहे हैं। तो जेक्वेरी को बेसिक आप, मैं मान के चलता हूँ कि आपको जेक्वेरी आती है, बेसिक चीज़ें आती हैं, तो उसको कैसे यहाँ पे यूज करना है देखते हैं। जेक्वेरी स्टार्ट करते हैं डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद पहला क्या है कि पहला जो ऊपर है, पहला हमने जो आइटम दिया बर्गर, तो बर्गर की ये जो आईडी है ये है बटन, उसमें जो ऐड बर्गर लिखा हुआ है बटन में, मैं दिखा देता हूँ आपको अभी, ये जो बर्गर है, बर्गर का जो ऐड वाला बटन है उसकी आईडी ऐड बर्गर, और जो रिमूव वाला बटन है वो है रिमूव। तो यहाँ पे क्या है, जब ऐड बर्गर वाला, जब इस आईडी वाले बटन को हम क्लिक करते हैं तो एक फंक्शन चलेगा, इसमें क्या होगा, ये बर्गर की क्वांटिटी, ये क्या है, बर्गर क्यू टी वाई, बर्गर क्यू टी वाई कहाँ है, यहाँ है बर्गर क्यू टी वाई, इनपुट टाइप है, ये इनपुट टाइप है, इनपुट टाइप टेक्स्ट जहाँ पे हम क्वांटिटी दे रहे हैं, इसका जो हमने आईडी दिया है बर्गर क्यू टी वाई दिया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से ये क्या उठा रहा है, कितनी क्वांटिटी हमने डाली है, यहाँ से ये उठा रहा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी बर्गर क्यू टी वाई, बर्गर क्यू टी वाई वाले आई डी में जो वैल्यू है, ये डॉट वैल्यू लिखा हुआ है, वैल्यू है उसको उठा के इसमें सेव करा रहा है। ये हो गया आइटम्स, आइटम्स मतलब ये आइटम का नाम जो है, ये आइटम का नाम स्टोर कर रहा है। तो आइटम इज इक्वल टू आइटम्स प्लस बर्गर, क्योंकि इस वाले केस में ऐड बर्गर में तो बर्गर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और आइटम नेम यहाँ पे क्या है, आइटम नेम, आइटम नेम क्या है, आइटम नेम यहाँ पे इस वाले पार्ट में हम आइटम नेम प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, प्रिंट हो रहा है, इसको प्रिंट हो रहा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आइटम नेम प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे सम टेस्ट प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आइटम्स प्रिंट, यहाँ पे क्या हो गया, आइटम्स प्रिंट हो गया आइटम नेम में, और सम टेस्ट में क्या प्रिंट हो गया, यहाँ पे सम, सम हम कैसे निकाल रहे हैं, पहले हमने सम इक्वल टू जीरो लिया हुआ है, उसके बाद सम इज इक्वल टू सम प्लस बर्गर क्यू टी वाई, बर्गर की जो क्वांटिटी है उसे हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं किसको, बर्गर, बर्गर कहाँ पे है, बर्गर है प्राइस में, बर्गर कहाँ पे है, ये प्राइस, प्राइस में जो वेरिएबल का नाम क्या है, बर्गर, बर्गर में 50 स्टोर है, ठीक है। तो 50 स्टोर है, तो यहाँ पे क्या स्टोर हो गया है, आई मीन यहाँ से क्या फेच कर रहा है, बर्गर की टुवाई कितनी क्वांटिटी अपने डाली, 1 2 3 4, और ये हो गया उसका प्राइस, मल्टीप्लाई कर दिया और सम में हमने ऐड कर दिया, तो टोटल ये सम प्रिंट हो गया। अभी से ये वेरिएबल क्या है, लगातार स्टोर कर रहा है, अगर आपने रिमूव कर दिया तो उस केस में क्या करेगा ये, रिमूव, अगर आपने रिमूव वाले बटन पर क्लिक किया तो क्या होगा, उतना ही माइनस हो जाएगा, उतना ही प्राइस उसमें से माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे आप एक चीज़ ये देखो कि अगर आप रिमूव कर रहे हो, तो रिमूव कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ, जैसे आपने ये ऐड किया हुआ है चीज़ें, अगर आप क्या कर रहे हो, बर्गर को रिमूव कर रहे हो, तो यहाँ पे जो बर्गर नाम है वो भी रिमूव होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। तो रिमूव पे अगर हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, बर्गर यहाँ से क्लिक हट गया। अगर मान लो चिकन रोल है, चिकन रोल को हम रिमूव कर रहे हैं, तो चिकन रोल यहाँ पे है पहले, अगर रिमूव पे क्लिक कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, रिमूव होना चाहिए, तो ये क्या, चिकन रोल रिमूव हो गया और उसकी एक प्राइस भी कम हो गई, एक हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। तो आओ हम इसमें देखते हैं क्या है,
तो रिमूव वाले में जाने पे क्या हो रहा है कि रिमूव में हम यहाँ पे माइनस कर दे रहे हैं और माइनस करा के सम प्रिंट कर दे रहे हैं। और दूसरे वाले केस में हो रहा है कि आइटम का नाम कैसे यहाँ पर हो रहा है, हम रिप्लेस कर रहे हैं आइटम की जो स्ट्रिंग है उसको रिप्लेस कर रहे हैं, बर्गर नाम की जो स्ट्रिंग है या बर्गर नाम का जो सब स्ट्रिंग है उसको रिप्लेस कर रहे हैं किससे, नल वैल्यू से। जो बर्गर है वहाँ पर क्या आ रहा है, नल आ जा रहा है, इससे क्या हो रहा है, वो हट जा रहा है। तो एक बार फिर से आप देख लो इसमें क्या हुआ है, ऐड बर्गर नाम के बटन को जो हमने क्लिक किया तो वहाँ पे क्या फंक्शन चला, फंक्शन में जो हमने इनपुट टाइप दिया हुआ है उसमें जो हमने क्वांटिटी डाली है कितनी क्वांटिटी चाहिए वो इसमें स्टोर हो गया, ठीक है, इसमें स्टोर हो गया। फिर क्या हुआ, सम नाम का एक वेरिएबल है उसमें हमने क्या किया, बर्गर की क्वांटिटी को बर्गर के प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया और उसे यहाँ पे प्रिंट करा दिया, सम टेस्ट नाम की आईडी में यहाँ प्रिंट करा रहे हैं, ये प्रिंट हो गया। और आइटम वाले केस में क्या हो रहा है, आइटम यहाँ पे पहले नल है और उसमें हमने बर्गर ऐड कर दिया, ये हो जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट यहीं बढ़ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में लिया, एक तरह से ग्लोबल वेरिएबल की तरह बिहेव कर रहा है, ग्लोबल वेरिएबल की तरह अगर रिमूव बर्गर हमने क्लिक किया तो रिमूव माइनस हो गया, फिर ये रिप्लेस भी हो गया। वैसे ही सबके साथ सेम चीज़ें हैं, सेम फंक्शनैलिटी है। यहाँ पे ड्रिंक हम ऐड कर रहे हैं, फिर हमने इनपुट टाइप में जो वेरिएबल है वो लिया, फिर उसे हमने मल्टीप्लाई करके ऐड करके प्रिंट करा दिया, और आइटम को भी हमने क्या किया यहाँ पे ऐड करा के फिर हमने प्रिंट करा दिया। फिर सेम पिज्ज़ा के लिए है और सेम चीज़ें, सेम बिल्कुल सेम चीज़ें ऐड रोल के लिए है। तो दोस्तों मैं मान के चलता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा ये वीडियो कैसे होगा। अगर आपको मैंने एक पार्ट समझा दिया है, बाकी ये जो पार्ट हैं सब सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये लास्ट में यहाँ पे क्लोज भी हो गया है, ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट इसका है, ये जो बाहर यहाँ पे पड़ा हुआ है ये वाला जो चीज़ है वो लास्ट में जाके क्लोज हो रहा है, बाकी भी चीज़ में फंक्शन है ये यहाँ पे। तो इतनी इतना करने पे अगर आपको यहाँ पे और भी चीज़ें ऐड करनी है, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, पिज्ज़ा, चिकन रोल के अलावा और भी चीज़ें आपको ऐड करनी है तो भी आप ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो ये हो गया बेसिक सा, एक तरह से आप कह सकते हो कि शॉपिंग कार्ट के बारे में, जो आप जिससे आप जेक्वेरी की हेल्प से बना सकते हो। इसमें आपको ये भी नहीं है दिक्कत कि आपको पेज रिफ्रेश की ज़रूरत है या कुछ करने की ज़रूरत है, इसमें पेज भी रिफ्रेश नहीं हो रहा है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये वीडियो, जेक्वेरी की हेल्प से हमने शॉपिंग कार्ट बनाई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।